नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत प्रजापति एडवांस क्लासेस के यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, यहां पर प्रमुख टॉपिक है हमारे पास जिसे हम कहते हैं जय विकास, कि हमारी पृथ्वी पर जीवन का विकास कैसे हुआ है। तो जीवन के विकास को समझने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। जैसे कि बात की जाए तो आप सब जानते होंगे कि करोड़ों अरबों साल पहले जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो पृथ्वी की उत्पत्ति का जो प्रारंभिक जीवन था, जैसे कि पृथ्वी प्रारंभ में आप सबने सुना होगा कि एक आग के गोले के समान थी। तो चलो इस टॉपिक को समझते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर जीवन प्रारंभ हुआ है हमारी पृथ्वी पर। सबसे पहले यहाँ पर एक अग्नि युग आया, फिर इस अग्नि युग के बाद धीरे धीरे यहाँ पर हिमयुग आया, और हिमयुग के बाद धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ, जलयुग आया। तो जब जलयुग यहाँ पर पृथ्वी पर आया, तो धीरे धीरे पृथ्वी पर जलयुग आने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, जीवन की शुरुआत हुई और पृथ्वी पर नए नए जीवों का विकास हुआ। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक है जैव विकास, कि जैव का विकास कैसे हुआ है, जीवन का विकास कैसे हुआ है। तो जैव विकास के बारे में बात की, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी पृथ्वी के निर्माण के बारे में, कि हमारी पृथ्वी जो है कैसे कैसे निर्मित हुई, अग्नि युग, हिम युग, वर्षा युग, कई सारे इस प्रकार से युग आए। और जब पृथ्वी पर जल उपस्थित हो गया, तो जल के माध्यम से क्या हुआ, पृथ्वी पर सर्वप्रथम जो जीव आया, ये बताया जाता है लगभग में कि कई करोड़ अरबों साल पहले जो सबसे पहले पृथ्वी पर जीव उपस्थित हुआ था, इसे कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। कौन सा जीव उपस्थित होता है, साइनोबैक्टीरिया, जिसे कहा जाता है नील हरित शैवाल। तो सबसे पहले जीव आया था नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। तो सबसे पहले पृथ्वी पर जो जीव आया था, इसे हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, नील हरित शैवाल क्या होता है, तो जनरली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि नील हरित शैवाल आप लोगों ने सबने देख रखा है, जो कि क्या होता है, नदियों के तट पर आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो हरे कलर की जो काई उपस्थित होती है, उसे ही नील हरित शैवाल कहा जाता है। इमेज के माध्यम से भी आप लोग इसे देखो किस प्रकार से नील हरित शैवाल होते हैं। तो ये जो है नील हरित शैवाल को प्रेजेंट कर रहा है ये इमेज हमारे सामने। तो ये आप लोगों ने सबने देख रखा होगा इसके बारे में। तो पृथ्वी पर जो सबसे पहले जीव आए थे वो नील हरित शैवाल ही पृथ्वी पर उपस्थित थे। अब क्या था कि ये पृथ्वी पर कैसे आए और ये कैसे पृथ्वी पर जीवित रहे, जब पृथ्वी पर कुछ हुआ ही नहीं, करते थे, कोई पेड़ पौधे नहीं थे, किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं थी, तो पृथ्वी पर ये कैसे जीवित रहे। तो क्या हुआ, जब ये पृथ्वी पर आए तो पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए इनको किसकी आवश्यकता पड़ी, प्रकाश संश्लेषण की। किसकी आवश्यकता पड़ी इनको, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से इन्होंने क्या करा, अपने लिए भोजन बना लिया, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लिया, और ये कई सालों तक जीवित रहे, और धीरे धीरे इन्हीं से ही हमारा जो विकास दर है वो आगे बढ़ी। तो जैसा कि मैंने आपको बताई दिया कि प्रकाश संश्लेषण में पौधों को किसकी आवश्यकता पड़ेगी, सूर्य के प्रकाश की, वो इनको आसानी से मिल जाएगा सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल की आवश्यकता, तो देखो आप लोग, इनके पास क्लोरोफिल उपस्थित है, जो कि नदियों में उपस्थित मैग्नीशियम धातु से भी बन जाता है। फिर इसके अलावा इनको आवश्यकता थी जल की, जल के अंदर ही ये उपस्थित होते हैं। और लास्ट फाइनल इनको उपस्थित थी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि पृथ्वी पर काफ़ी अच्छी मात्रा में उपस्थित है। तो इन चारों तत्वों से मिलकर इन्होंने क्या कर दिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करी और इससे अपना भोजन बना दिया। और धीरे धीरे पृथ्वी पर इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से क्या कर दिया इन्होंने, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का निर्माण कर दिया, O2 मुक्त होने लगी पृथ्वी पर, और नए नए ऐसे जीव उत्पन्न होने लगे जिनको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती थी, ऑक्सीजन की, O2 की आवश्यकता पड़ती थी। अब बात करें कि ऐसे कौन कौन से जीव थे जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो आप लोग सब जानते हैं कि अगर आज के समय में हम बात किया है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर सभी जीवों को जो है जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की। लेकिन यदि बात की जाए कि कैसे विकास की दर जो है प्रारंभ हुई है, तो इस विकास की दर में जानते हैं कि सबसे पहले माना जाता है कि पृथ्वी पर जो है सरीसृप वर्ग, कौन सा वर्ग पृथ्वी पर आया था सबसे पहले, सरीसृप, मतलब ऐसे वर्ग के जीव आए थे जो केवल और केवल उनके अंदर किसी भी प्रकार की बॉन्ड नहीं होती थी, अस्थियां नहीं होती थी, केवल रेंग कर चलते थे, ऐसे वर्गों के जीवों का सबसे पहले निर्माण हुआ सरीसृप का। और सरीसृप जीवों से ही पृथ्वी पर जो है, जैसे कि आज हमारा वर्ग है जिसे हम कहते हैं स्तनीय वर्ग, स्थानीय वर्गों का विकास हुआ। इसी से सरीसृप से ही पक्षी वर्ग का भी विकास हुआ। ठीक है, जो आसमान में जो उड़ते पक्षी हैं वो सभी भी किससे निर्मित हुए हैं, सरीसृप वर्ग से। फिर कई बार रहता है कि जो जलीय जीव हैं इनका विकास कैसे हुआ है, कि जलीय जीवों का विकास कैसे हुआ है। तो जलीय जीवों के विकास के बारे में बात किया है, तो जलीय जीवों का जो विकास है ये कैसे हुआ है, मत्स्य वर्ग से।
जो मत्स्य वर्ग के जीव हैं, जो भी आपको जल के अंदर उपस्थित जीव है, इनका सभी का विकास किससे हुआ है? मत्स्य वर्ग के जीवों के माध्यम से इनका विकास हुआ है। तो ये विकास की दर चल रही थी, जैसा कि चलो आपको एक इमेज के माध्यम से भी बता देता हूं मैं आपको कि किस प्रकार से विकास की दर जो है चल रही है। तो यहां पर देखो, इस प्रकार से सबसे पहले इस प्रकार से आपको एक जीव बताया गया है कि ये सबसे पहले जो एक कोई जलीय जीव है ये बना, फिर ये धीरे धीरे इस आकृति में ढला, फिर धीरे धीरे इसकी आकृति ऐसी बनती गई और फिर ऐसी बनती गई, और एक समय क्या हुआ कि ये सारा ही इसका चेंज हो गया और एक नई पीढ़ी किसमें रूपांतरित होगी? मेंढक के रूप में। तो इस प्रकार से ये जो विकास का प्रोसेस है ये चलता ही रहता है, ये कभी रुकता नहीं, ये एक प्रोसेस है जीन के माध्यम से या इनके सिद्धांत है वो हम यहाँ पर देखेंगे किन सिद्धांतों के माध्यम से ऐसा होता है। तो जैसा कि चलो जैव विकास में यदि बात की जाए तो हम सबसे पहले प्रमुख वैज्ञानिक का मत लेते हैं कि जैव विकास के संदर्भ में सबसे प्रमुख मत किस वैज्ञानिक का आता है। तो यहाँ पर बात करें हम सबसे प्रमुख मत, तो हमारे पास आते हैं लेमार्क, लेमार्कवाद के बारे में बात की जाए तो लेमार्क के बारे में आप सब जानते होंगे दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट मत दिए इन्होंने जैव विकास के संदर्भ में। जैसा कि बात की जाए तो लेमार्कवाद में सबसे पहले जान लेते हैं कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है। कई बार क्या होता है दोस्तों, इनकी पुस्तक का ही क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में आता है कि लेमार्क ने जो अपनी पुस्तक है किस नाम से लिखी है। तो लेमार्क की जो पुस्तक है इसका नाम क्या है? इस पुस्तक का नाम है फिलोसफी, फिलोसफिक जूलॉजी। काफी इंपोर्टेंट पुस्तक है और इसी में ही लेमार्क ने अपने सभी सिद्धांतों को क्या करा है, प्रेजेंट किया है फिलोसफिक जूलॉजी में। फिर दोस्तों बात की जाए यहां पर फिलोसफिक जूलॉजी के बाद, तो आपसे जाना जाएगा कि लेमार्क के जो सिद्धांत है इसे किस नाम से जाना जाता है, लेमार्क के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो लेमार्क का जो सिद्धांत है इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है अंगों की उपयोगिता का सिद्धांत, अंगों की उपयोगिता का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, ये सिद्धांत इन्होंने प्रेजेंट किया था। अब बात की जाए इनके सिद्धांत के बारे में कि इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया था। तो लेमार्क जो है इन्होंने अपने सिद्धांत में काफी महत्वपूर्ण बातें बताई थी, जैसा कि आपको समझ में आई क्या होगा कि अंगों की उपयोगिता के बारे में बात करते हैं, तो अंगों की उपयोगिता का सिद्धांत जो है वो इन्होंने बताया था। सबसे फर्स्ट सिद्धांत के बारे में बात की जाए इस उपयोगिता के सिद्धांत में, तो सबसे फर्स्ट फिलोसफिक इन्होंने जो है लेमार्क ने यह बताया था कि पृथ्वी पर यदि कोई भी जीव पृथ्वी पर उपस्थित है, यदि अपने किसी भी अंग का प्रयोग ज्यादातर यदि किसी भी अंग का प्रयोग करता है, किसी भी अंग का प्रयोग करता है, पृथ्वी पर यदि कोई भी जीव ज्यादातर अपने किसी भी अंग का प्रयोग करता है तो वह अंग अधिक शक्तिशाली और विकसित हो जाता है। ये इनका मत था जो इन्होंने प्रेजेंट किया था अपनी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजी में, और इन्हें ही अंगों की उपयोगिता सिद्धांत के नाम से भी जाना गया। अब बात की जाए कि जीव जो है ज्यादातर अपने किसी भी अंग का प्रयोग करते हैं तो वो अंग क्या हो जाएगा, अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, अधिक विकसित हो जाएगा, ये सिद्धांत इन्होंने बताया। और इस सिद्धांत के लिए इन्होंने जो अपना प्रमुख उदाहरण पेश किया वो किस रूप से किया, तो आपको बता देता हूं मैं। इन्होंने उदाहरण के लिए जिराफ के बारे में कई सारे मत बताए। तो यहां पर इस इमेज में आप लोग देखो, इस इमेज के माध्यम से देखते हैं हम, यहां पर इस साइड देख लेते हैं। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में जिराफ को लिया कि जब जिराफ की प्रारंभिक अवस्थाओं के बारे में बात की जाए तो प्रारंभिक जनरेशन जो जिराफ बिल्कुल इस प्रकार से हुआ करते थे, छोटे छोटे, लेकिन भोजन के लिए क्या होते थे, ये ऊपर की जो पेड़ पौधों की ऊपर की झाड़ियां होती थी, पेड़ पौधों की ऊपर की पत्तियां होती थी, इन पर अपना भोजन निर्भर करते थे, इनको खाकर अपना जीवन चलाते थे। तो जैसे जैसे क्या हुआ, पेड़ पौधों में जैसे कि नीचे की टहनियां खत्म हो गई, तो नीचे की टहनियां खत्म हुई तो इन्होंने क्या करा, ऊपर की जो पत्तियां थी उनसे अपने भोजन को प्राप्त किया। तो देखो यहां पर प्रारंभ में तो ये भोजन यहां से प्राप्त करा है, लेकिन जब इसको ऊंचाई पर भोजन प्राप्त करना पड़ा तो ऊंचाई पर भोजन प्राप्त करने के लिए इसको क्या करना पड़ा, यूज करना पड़ा अपनी गर्दन को और अपने आगे के पैरों का। जब इसने अपनी गर्दन और आगे के पैरों को ज्यादा से ज्यादा यूज किया तो धीरे धीरे हजारों सालों में ये परिवर्तन देखने को मिला। इसकी जो नई जनरेशन बनी इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे थोड़ा सा विकास हुआ गर्दन और पैरों में, फिर हजारों सालों बाद
फिर धीरे धीरे विकास होने के बाद आज के समय के जो जिराफ है हमारे सामने कैसे होते हैं, इस प्रकार से होते हैं, लंबे काफी, जिनकी गर्दन काफी लंबी होती है और गर्दन के साथ साथ इनके आगे के पैर भी क्या हो गए, विकसित होते चले गए। ये लेमार्क ने अपने सिद्धांत में बताया था। इसी सिद्धांत के अनुसार लेमार्क ने एक प्रमुख खास बात को और बताया। तो लेमार्क ने अपने इसी सिद्धांत के बारे में सेकंड मत और बताया। लेमार्क ने साथ साथ एक और बात बताई, यदि कोई भी जीव जो पृथ्वी पर है, कोई भी जीव जो पृथ्वी पर है, यदि अपने किसी भी अंग का प्रयोग कम करता है या बिल्कुल नहीं करता है या बहुत कम करता है, यदि कोई भी जीव अपने किसी भी अंग का प्रयोग कम करता है या बहुत कम करता है, तो इस प्रकार के जीवों में क्या होता है, वो अंग या तो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है या क्या हो जाएगा, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। जिस अंग का प्रयोग व्यक्ति नहीं कर रहा या कोई भी जीव जिस अंग का प्रयोग नहीं कर रहा, वो अंग क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा या धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा वो अंग धीरे धीरे विलुप्त होता चला जाएगा और समाप्त हो जाएगा। इसके मत के लिए इन्होंने एक प्रमुख उदाहरण पेश किया और इस उदाहरण में इन्होंने बताया कि ऐसा होता है सर्प में, जो सांप होते स्नेक्स, इसका उदाहरण इन्होंने बताया। इन्होंने बताया कि सांप जो होते थे, इनके प्रारंभिक जो जनरेशन थी, उस जनरेशन में इनके कई सारे पैर हुआ करते थे, लेकिन जब भी अपने बिलों में जाते थे या कहीं भी झाड़ियों में घुसते थे तो इनके पैर जो होते थे उनमें उलझ जाते थे और इस कारण क्या हुआ, इन्होंने अपने पैरों का प्रयोग करना कम कर दिया। अब जैसे ही इन्होंने ये अपने पैरों का प्रयोग करना कम करा, तो धीरे धीरे जो इनकी जनरेशन आगे बढ़ती गई हजारों लाखों सालों के प्रोसेस में, तो इनकी जनरेशन में धीरे धीरे क्या हुआ, इनके जो पैर थे ये विलुप्त होते चले गए, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, अपने पैरों का यूज नहीं कर रहे थे। तो ये इन्होंने इसका उदाहरण बताया। जैसे कि चलो एक इमेज के माध्यम से मैं आपको बता भी देता हूँ कि जैसे कि आप लोगों ने कन खजूरा देखा होगा, इस प्रकार से हमारे पास स्नेक का इमेज तो नहीं रहा, तो इस प्रकार जैसे कि इसके कई सारे पेड़ आपको दिख रहे होंगे, ये इतने सारे पेड़ ये दिख रहे हैं आप सबको, तो ये जो पेड़ है इस प्रकार से ही जो है सांप पे लेकिन टाइम पे हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इनके पेड़ों का प्रयोग कम करने के कारण आज के जो सांप होते हैं इनके अंदर देखो आप लोग, यहाँ पर इसमें कहीं से कहीं तक भी आप लोगों को पेड़ दिखाई नहीं देंगे, बिल्कुल भी पेड़ जो है इनके खत्म होगी। तो ये लेमार्क ने बताया कि यदि किसी भी अंग का प्रयोग कम करते हैं या नहीं करते तो वो अंग क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं, समाप्त होते चले जाते हैं। फिर बात करें दोस्तों कि इस नियम का किसी वैज्ञानिक ने खंडन किया, तो बिल्कुल इस नियम के अपवाद के बारे में बात करें, अपवाद के बारे में बात किया, तो इसका अपवाद जो है विजमैन, विजमैन नामक वैज्ञानिक जो है इन्होंने इसके अपवाद के बारे में अपना मत दिया। इन्होंने कहा कि या लेमार्क अगर आपका सिद्धांत सही है तो जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ उसमें ये कंडीशन दिखनी चाहिए। विजामेन ने क्या करा, जो चूहे थे उन्होंने पर अपना परीक्षण किया। किस पर? चूहों पर अपना परीक्षण किया और इन पर अपना अनुसंधान किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ चूहे लिए और उन चूहों में सबसे पहले उनकी पूंछ काट दी। अब क्या हुआ, जैसे कि मान लो एक चूहे की इन्होंने क्या कर दी, एक जो चूहा था इसकी पूंछ काट दी। अब इस चूहे से जो नई जनरेशन उत्पन्न होगी, नई जनरेशन उत्पन्न हुई इस चूहे से सेकंड नंबर पर, सेकंड F2 पीढ़ी, तो F2 पीढ़ी में जो चूहा पैदा हुआ उसमें वापस पूंछ निकलेगी। इन्होंने क्या कर दिया, पैदा होती उसकी पूंछ वापस काट दी। इस प्रकार से करते 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 हर पीढ़ी में इन्होंने लगभग 21 से लेकर 22 पीढ़ियों तक बिल्कुल इसी प्रोसेस को दर्शाया, चूहों को प्रजनन कराया और जैसे ही वो प्रजनन से जैसे ही बच्चे पैदा होते उनकी जो भी पीढ़ी बनती, जो भी F1, F2, F3, F4 जो भी पीढ़ी बनती, प्रत्येक पीढ़ी में जन्म लेते ही क्या कर देते थे, उन चूहों की पूंछ को काट देते थे। ऐसा करते करते इन्होंने लगभग 21 से 22 पीढ़ियों को इन्होंने देखा, लेकिन जब भी नई जनरेशन आती तो उनमें वापस पूंछ वापस निकल आती। तो फिर इन्होंने कहा कि लेमार्क आपका तो जो नियम है वो बिल्कुल असत्य सिद्ध हो रहा है, क्योंकि क्या है, इन चूहों के पास पूंछ थी लेकिन इनके पूंछ में पैदा होते ही काट रहा था, तो इनको तो पूरी जिंदगी में पूंछ का कोई मतलब या पूंछ का कोई कार्य इन्होंने किया ही नहीं। भाई पूंछ इनकी जो थी वो इन्होंने क्या काट दी, शुरुआत में काट दी, तो इन्होंने शुरुआत से प्रयोग नहीं की, कई सारी जातियों तक इन्होंने ऐसा ही किया, तो भी हर जनरेशन में पूंछ निकल के आ रही है,
ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपके अंगों की उपयोगिता के सिद्धांत सही होता तो इनमें पूछ नहीं आनी चाहिए थी। इस प्रकार से इन्होंने इस परीक्षण से इनका खंडन किया कि अंगों की उपयोगिता के सिद्धांत जो है ये कुछ हद तक ही सही है, कुछ हद तक ही, लेकिन ये सभी जगह पर सही नहीं है। ये खंडन इन्होंने किया और चूहों को लेकर ये बताया था विजमैन ने। फिर बात की जाए जय विकास के दूसरे प्रमुख मतों के बारे में कि इसके अलावा और जय विकास के संदर्भ में किसके मत इंपोर्टेंट है। तो दूसरे नंबर पर आ जाते हैं हमारे प्रमुख वैज्ञानिक, इन्हें आप जानते होंगे किस नाम से, इन्हें जानते होंगे आप लोग डार्विन के नाम से। तो हम बात करेंगे डार्विनवाद के बारे में। काफी इंपोर्टेंट रिसर्च किया था इन्होंने भी, डार्विन ने, और इनके सिद्धांत भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है और आप लोगों से पेपर में कई बार जानना चाहेगा। तो जैसा कि बात की जाए सर्वप्रथम डार्विनवाद के बारे में, तो सर्वप्रथम जान लेते हैं इनकी पुस्तक के बारे में कि इनकी पुस्तक का क्या नाम है। तो डार्विनवाद में या डार्विन ने जो पुस्तक लिखी थी इसे कहा जाता है ओरिजन, ओरिजन ऑफ द स्पीसीज, ओरिजन ऑफ द स्पीसीज जो है पुस्तक के राइटर ही है। तो ये इनकी प्रमुख पुस्तक है, लेकिन आप लोगों को एक और प्रमुख खास बात बता रहा हूं मैं डार्विन के बारे में। डार्विन जो है, इनका एक प्रमुख क्वेश्चन हो रहा था कि डार्विन ने निम्न में से किस जहाज पर पूरी पृथ्वी का भ्रमण कराए। कई बार इन्होंने पृथ्वी का भ्रमण कराया समुद्री मार्ग से, और इन्होंने एक जहाज लिया था जिसे कहा जाता है बिगुल, बिगुल नामक जहाज जो है इन्होंने लिया था, और इस पर कई समय तक इन्होंने पृथ्वी का भ्रमण किया। तो इस जहाज का नाम पेपर में कई बार पूछा जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात की जाएगी डार्विन के जो सिद्धांत है, इन सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, क्या है इस सिद्धांत को। तो डार्विन का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को कहा जाता है प्राकृतिक, प्राकृतिक चयन, चयन का सिद्धांत, ठीक है, जैसे कहा जाता है नेचुरल, नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, आप लोगों को ध्यान रखना है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया है डार्विन ने। अब बात की जाएगी नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत के अंतर्गत क्या बताया जाता है, क्या है ये सिद्धांत। तो यहां पर डार्विन ने अपने सिद्धांत में एक प्रमुख खास बात को बताया कि हमारी पृथ्वी पर जो भी जीव जहां पर भी रह रहा है उसका शरीर, उसका जो पूरा बॉडी है वो केवल और केवल अपने हिसाब से नहीं, प्रकृति के हिसाब से ढली हुई है। जैसे कि मान लो आज मनुष्य है, तो मनुष्यों में भी कई सारे, जैसे कि प्रकृति के अनुसार, जैसे कि मान लो आज हम यहाँ पर रहते हैं तो हमारी स्किन जो है भारत के अकॉर्डिंग यदि बात की जाए तो कुछ सांवली सी है। इसी प्रकार से लोग बाग जो है, कई सारे मनुष्य अफ्रीका में रहते हैं जिनकी स्किन चमड़ी जो होती कैसी होती है, बिल्कुल काली होती है। इसी प्रकार से चाइना में चल जाएं तो चाइना के लोगों में आंखें कितनी छोटी होती है। तो हम सब एक ही मनुष्य तो हैं हम सब, लेकिन फिर भी हमारे अंदर इन प्रकार के जो परिवर्तन है वो क्यों देखे जा रहे हैं, ये परिवर्तन क्यों देखे जा रहे हैं। तो ये परिवर्तन इसलिए देखे जा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, प्रकृति ने ही चयन किया है। यहाँ पर धूप कम है, यहाँ पर क्या होता है सूर्य का प्रकाश कम है, इसलिए यह क्या होती है हमारी जो स्किन होती है वो नॉर्मल सांवली टाइप में है। लेकिन अफ्रीका में क्या होता है सूर्य का प्रकाश ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि उनको प्रकाश ज़्यादा या उनको गर्मी का ज़्यादा अनुभव करना पड़ता है, तो वहाँ के लोगों के पास क्या होता है काली चमड़ी होती है और काफ़ी मोटी भी होती है। इसी प्रकार से जैसे कि मान लो अफ्रीका हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, या आइसलैंड जैसी कोई जगह हुई, वहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा फेयर होता है, उनका कलर काफ़ी ज़्यादा फेयर होता है, तो प्रकृति के अनुकूल ही क्या हो जाता है ये कलर भी जो है सेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जीवों का जो रहने का जो नियम है या जीवों का निर्धारण करने का जो सारा कार्य है कि कौन सा जीव कहाँ पर रहेगा, किस वातावरण में रहेगा, कैसे उसको जीवन यापन करना है, उस सबका चयन कौन करेगा, प्राकृतिक करेगी। इसलिए इसे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि चलो इसको एक और इमेज के माध्यम से भी समझे, तो यहाँ पर इमेज के माध्यम से आपको बताया गया है इस प्रकार से। आप लोग सब जानते हैं कि पोलर बियर, पोलर बियर जो है ये कहाँ पर रहता है, बर्फीले स्थानों पर रहता है। और इसके यदि हम बात की जाए तो इसका जो ये चर्म होते हैं, इसके देखो स्किन कितनी ज़्यादा मोटी होती है और कितने ज़्यादा इस पर बाल होते हैं।
ताकि क्या हो, ये उस वातावरण के रहने के अनुकूल रह सके, वहां पर उपस्थित रह सके। इसी प्रकार से यदि बात की जाए अन्य बियर या अन्य बालू के बारे में, तो यहां पर देखते हैं हम, इधर देखो इस इमेज में ये सभी क्या है, भालू हैं, लेकिन ये जंगलों में पाया जाता है, ये कहीं और पाया जाता है, ये हिम क्षेत्रों में पाया जाता है। तो एक ही जीव की कई सारी प्रजातियों का जो निर्माण हो रहा है, ये देखो कई सारी प्रजातियों का निर्माण हो रहा है, ये निर्माण किसकी वजह से, प्रकृति की वजह से। अगर हमारे पृथ्वी पर सभी जगह का वातावरण एक समान सा होता, सभी जगह की जलवायु एक जैसी होती, सभी जगह खनिज लवण तापमान सब चीज़ अगर एक समान होती, तो ये जो भिन्नताएं ये देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो ये भिन्नताएं केवल किस कारण से है, ये भिन्नताएं केवल और केवल इस कारण से है कि पृथ्वी पर क्या है, जो भी जीव जिस प्रकृति में जिस वातावरण में रहेगा उसका शरीर उसकी बॉडी उसी वातावरण के अनुकूल ढल जाएगी, ये इस सिद्धांत का नियम है। जैसे कि मान लो आज इस ये जो भालू दिख रहा है, अगर इसको हम ले जाए हिम क्षेत्र में, तो ये यहाँ पर जीवित रहेगा क्या, ये यहाँ पर जीवित नहीं रह पाएगा। और यदि इसको हम यहाँ पर ले आए जंगलों में, तो ये यहाँ जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि क्या है, इसका शरीर इस वातावरण के अनुकूल बन चुका है, इसका शरीर इस वातावरण के अनुकूल बन चुका है, इस प्रकृति के अनुकूल बन चुका है। तो ये प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है कि जो भी जीव जिस प्रकृति में रहेगा, जिस प्रकृति में रहेगा उसका जो है शरीर उसी वातावरण के अनुकूल कार्य करेगा, इसे ही प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहा जाता है। ये सिद्धांत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि डार्विन ने दिया था, ठीक है। तो दोस्तों फिर बात करेंगे यहाँ पर हम तीसरे सिद्धांत के बारे में जीव विकास में, और वो सिद्धांत है होगो डी ब्रिज का। होगो डी ब्रिज जो है इन्होंने भी उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया है, जो कि जैव विकास के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो दोस्तों आज जानते हैं हम तीसरे सिद्धांत के बारे में, जैव विकास के संदर्भ में यदि हम चलें, तो आज हम थर्ड नंबर पर बात करेंगे होगो डी ब्रिज के बारे में। होगो डी ब्रिज, इनका सिद्धांत भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैव विकास के संदर्भ में, और बात करेंगे कि इनके सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। तो इनका जो सिद्धांत था इसको कहा जाता है उत्परिवर्तनवाद, उत्परिवर्तन उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत या उत्परिवर्तन का सिद्धांत, लॉ ऑफ म्यूटेशन। तो लॉ ऑफ म्यूटेशन या उत्परिवर्तनवाद के बारे में बात की जाए, तो यहाँ पर होगो डी ब्रिज ने बताया कि जीवों में जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ये परिवर्तन काफ़ी सालों के प्रोसेस में होता है, और ये जो परिवर्तन है किस माध्यम से होते हैं, जीवों में अचानक हुए जीन के माध्यम से जो परिवर्तन होते हैं, किसके माध्यम से, अचानक जो जीन के अंदर जो उत्पन्न होते हैं उनके माध्यम से जीवों में विभिन्नताएँ जो प्राप्त होती है, उन परिवर्तन को उत्परिवर्तनवाद इन्होंने कहा गया है कि जीन के माध्यम से जो परिवर्तन है जो अचानक हो जाते हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बाद में बढ़ते चले जाते हैं, इन परिवर्तनों को इन्होंने क्या कहा है उत्परिवर्तनवाद। तो उत्परिवर्तन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस पर निर्भर करता है, जीन पर, जो कि आप सब जानते हैं कि जीन क्या होते हैं हमारे, जैसे कि मान लेते हैं कि इस प्रकार से यदि हमारे क्रोमोसोम है, तो इन क्रोमोसोम पर मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से छोटे छोटे जीन लगे होते हैं जो क्या होते हैं, अनुवांशिकता की क्या होते हैं, एक प्रकार से इकाई आप कह सकते हो। क्या कहा जाता है जीन को, अनुवांशिकता की इकाई। तो ये जीन जो है ये क्या है, इकाई है अनुवांशिकता की। तो अचानक जीन में हुए परिवर्तनों के माध्यम से यदि नई जनरेशन या नई पीढ़ी बन रही है, तो इसे उत्परिवर्तन कहा गया है। जैसा कि एक छोटा सा उदाहरण हम बात करते हैं, अगर हम बात करें इमेज के माध्यम से चलते हैं इस प्रकार से, विकास की दर में आप सब जानते होंगे दोस्तों कि विकास की दर, जैसा कि माना जाता है कि एक मनुष्य का जो, अगर निर्माण के बारे में बात की जाए, तो एक मनुष्य का जो निर्माण है प्रारंभिक काल में, जैसे कि मान लो हमारी उत्पत्ति किससे मानी जाती है, एक बानल से, एक बंदर से हमारी उत्पत्ति मानी जाती है। इस बंदर में कुछ जीन में परिवर्तन हुआ और इसने क्या करा कि खड़े होकर चलना स्टार्ट करा, केवल कुछ प्रजातियों में, जैसे कि मान लो ऐसा हुआ। फिर क्या करा, इस जैसे ही खड़ा हुआ तो इसके जो पैर है ये और अच्छी तरीके से विकसित हो गए, क्योंकि क्या करने लग गया था, ये अपने दो पैरों पर चलना प्रारंभ कर दिया था इसने। प्रारंभ में इसके पैर इस प्रकार से थे, लेकिन जब इसने अच्छी तरीके से चलना प्रारंभ करा, तो धीरे धीरे इसके पैर क्या हुए, और अच्छे तरीके से विकसित हो गए और अच्छे तरीके से ये चल पाया। इसी प्रकार से चलते चलते ये धीरे 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 एक नई जनरेशन उत्पन्न होगी। जैसे कि चलो एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, मान लेते हैं कि जैसे कि आज के समय में मान लो कोई व्यक्ति है जिनमें कुछ अचानक परिवर्तन के कारण, मान लेते हैं कि ये जो मान लेते हैं कि बंदर ही है,
कि इस बंदर की प्रजाति में एक प्रजाति में क्या हो गया, अचानक एक सींग निकल आया। क्या निकल आया? अचानक एक सींग निकल आया। तो क्या होगा कि जो भी आगे की जनरेशन होगी उनमें संभावितता बढ़ जाएगी। उनमें क्या बढ़ जाएगी? संभावितता, मतलब इससे जो जनरेशन आगे पैदा होगी, पीछे की जनरेशन की बात नहीं कर रहे, मान लो इसके कई भाई भी होंगे लेकिन क्या हुआ केवल इसके ही अंदर सींग निकल आया। अब क्या हुआ आगे की जितनी भी पीढ़ी होगी इसके बाद की जो पीढ़ी, तो उनमें संभावितता बढ़ जाएगी। उनमें क्या हो जाएगा कि जैसे कि मान लो इसमें सींग आया तो इसके जो आगे की जनरेशन होगी बच्चों में उनमें भी सींग आने लग जाएंगे, इसके और आगे के बच्चे हैं उनमें भी सींग आने लग जाएंगे। तो क्या होंगे, जो पहले के हैं वो तो बानर ही रहेंगे लेकिन जिनमें सींग आएंगे उनमें ये इसकी जो पूरी पीढ़ी होगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि अपनी पूरी कॉलोनी बना देगा, इस प्रकार से सभी जो हैं बानर सींग वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जीन में हुए जो अचानक परिवर्तन है उनके कारण यदि जनरेशन आगे बढ़ती है या पीढ़ी जो आगे बढ़ती है उसे ही क्या कहा गया है, उत्परिवर्तनवाद यहाँ पर कहा गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बंदर में एक में सींग आया और इसके से पूरी एक कॉलोनी का निर्माण हो गया, तो ये पूरी कॉलोनी क्या हो जाएगी, पृथक हो जाएगी। ठीक है, तो विकास की दर जो है इसी प्रकार से चलती है। जैसे कि मान लो कि जब प्रारंभ में बंदर से हमारा विकास हुआ तो ऐसा नहीं है कि सभी बंदर विकसित हो जाएंगे। बंदर के एक झुंड में एक बंदर ने क्या करा, पैदल चलने की कोशिश करी, बाकी सब बंदर क्या है वैसे के वैसे ही रहे, तो वो आज तक भी वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन एक ने कोशिश करी तो क्या हुआ, उसकी जनरेशन आगे बढ़ी, और जब उसकी आगे की जनरेशन आगे बढ़ी तो उन जनरेशन में क्या हुआ, ये सीधे खड़े होकर चलने लग गए, पैरों का अच्छी तरीके से और विकास हुआ। फिर आगे की जनरेशन हुई तो इन्होंने अपने भोजन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए और नई नई सुविधाओं को अपनाया। फिर आगे जनरेशन बढ़ी तो आज हमारे जैसे मनुष्य जो हैं ये खड़े हुए, और इस प्रकार से जो जीवन का विकास दर है वो चलती रही। तो ये आपको बताया गया है कि इसमें उत्परिवर्तनवाद में कि जीन के माध्यम से होने वाले जो परिवर्तन है उसे ही उत्परिवर्तन कहा जाता है। और ये सिद्धांत किसका था, होगोडी ब्रिज का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्धांत था। तो दोस्तों ये हमने बात करी जे विकास में लेमार्क, डार्विन और होगोडी ब्रिज के सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।